दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों फिजिक्स वाले एप्लीकेशंस पर अगर ओटीपी नहीं आ रहे हैं तो दोस्तों आप उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके भी फिजिक्स वाले एप्लीकेशंस पर ओटीपी नहीं आ रहे और आप भी इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को बिना स्केप के स्टेप बाय स्टेप पूरा जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना है। दोस्तों जैसे अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेंगे उसके बाद में सिंपली यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐप्स का, सिंपली आपको ऐप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप मैनेजमेंट का, ऐप मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपके फ़ोन में जो भी एप्लीकेशन रहेगी वो एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली आपको मैसेज एप्लीकेशन को प्रयास से क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर मैं मैसेज एप्लीकेशन को आपको क्लिक करना है, मैंने यहाँ पर मैसेज एप्लीकेशन को प्रयास क्लिक कर लिया। दोस्तों जैसे ही आप मैसेज एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टोरेज का, आपको स्टोरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कल स्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर कल स्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैसेज एप्लीकेशन जो भी यहाँ पे फिजिक्स वाले एप्लीकेशन का जो भी यहाँ पे डाटा रहेगा, जो भी यहाँ पे वायरस रहेंगे ओटीपी नहीं आने के कारण जो भी वायरस रहेंगे तो वो जो भी वायरस रहेंगे वो यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपके ओटीपी आना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपके भी फिजिक्स वाले एप्लीकेशन पर ओटीपी नहीं आ रहे हो तो आप भी इस प्रॉब्लम को इस प्रकार ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को नहीं है तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पर सेलेक्ट कर दो ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।